अच्छा लग रहा है। अंदर एंट्री कर रहे सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतलों का दहन देखने, वो भी सेक्टर 34 में। 34 सेक्टर में आजाद ड्रामेटिक क्लब की तरफ से जो दशहरा मनाया जा रहा है उसका वहाँ पे मुझे इन्विटेशन लेटर रिसीव हुआ है, तो उसी के चलते मैं जा रहा हूँ। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई है, मैंने वहाँ पे 4 बजे के करीब पहुँचना था बट अब टाइम हो चुका है 5:04, तो 1 घंटा मैं पूरा लेट हूँ। और उसी के साथ देखते हैं मेरी एंट्री उस पास के साथ हो पाती है या नहीं हो पाती, तो वीडियो में बने रहे आगे की अपडेट के लिए। देखते हैं यार कैसा रहता है, क्या हमें पास का कोई बेनिफिट होता भी है या नहीं होता, और आपके लिए अच्छे अच्छे क्लिप मैं शेयर करूंगा, तो वीडियो में बने रहे। तो हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 34 के दशहरा ग्राउंड में। यहाँ पे बिल्कुल गुरुद्वारा साहब के ऑपोजिट मेरे पीछे गुरुद्वारा साहब है 34 सेक्टर का, और डिवाइन मेरे साथ है। डिवाइन से हेलो, और यहाँ पे सत्यम, और हम अभी जा रहे हैं अंदर और देखते हैं अभी अंदर जाके कैसा रहता है। तो वही दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं बाहर, और उसके बाद इस तरफ गुरुद्वारा साहब के जो बाहर वहाँ पे गुरुद्वारा है 34 सेक्टर का, बहुत ही बढ़िया और आलिशान, और यहाँ पर गुरुद्वारा साहब की शॉप्स हैं, और यहीं से देखते हैं कहीं से एंट्री हमें मिलती है या नहीं मिलती। सामने देखेंगे आप रावण के बड़े बड़े यहाँ पर पुतले खड़े हुए हैं, रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के। लोगों की यहाँ से भी एंट्री हो रही है, ये लोगों की यहाँ से भी एंट्री हो रही है, तो मेन एंट्रेंस ही होते हैं अगर एंट्री मिलती है तो, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। एंट्री है अभी, अंदर एंट्री कर रहे हैं। पास से बैठने का इंतजाम तो नहीं हुआ बट हवा लेने के काम तो आ ही रहे। आग लग चुकी है और कुछ ही मिनटों में बिल्कुल जलकर राख हो जाएगी। लंका दहन यहाँ पर होने वाला है, हनुमान जी यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा लग रहा है आज हमारी तो बेटी
ने बहुत अच्छा दशहरा सेलिब्रेट किया है और जैसे कि हर साल की तरह इस बार और हमेशा की तरह इस साल की तरह का कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, मैं इस पर हमारे भाई को बधाई का पात्र मानता हूँ जो कि इतनी अच्छी कवरेज कर रहे हैं हमारे दशहरा की। बिल्कुल, और आपका भी बहुत अहम रोल है और आप कई सालों से मैं देख रहा हूँ आप हनुमान जी की भूमिका निभा रहे हैं और भी आप काफी किरदार निभा चुके हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है आप सेवा कर रहे हैं और एक रामलीला के आयोजन करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है देखकर। और हर साल आप इसी तरीके से धूमधाम से मनाते हैं और हमारी संस्कृति को, हमारी पुरानी संस्कृति को आप जिंदा रखते हैं, तो आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, आजाद ड्रामेटिक क्लब का मैं शुक्रगुजार करता हूं, तो आप भी करना चाहेंगे? जी सर, मैं आपका, जितने भी यहाँ जनता मौजूद है और हमारी कमेटी का बहुत दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा जो इतनी धूमधाम से दशहरा मनाती है और हमें हर साल कुछ ना कुछ सीखने का, बुराई पे अच्छाई की जीत का मौका सीखने का कुछ मौका देती है। जय श्री राम। कुंभकर्ण का दहन, जैसे कि आपने कुंभकर्ण का दहन देख ही लिया है, कुंभकर्ण का पुतला जलकर कुछ ही सेकंडों में स्वाह हो गया और अब कहानी है रावण की, दुष्ट रावण की। अभी कुछ ही सेकंडों में और रावण का पुतला भी जलकर यहां पर स्वाह हो जाएगा। यहां पर अग्नि दे दी गई है और सेना का ही एक तरह से काम करते हैं, तो बहुत बढ़िया लगा इनसे मिलके और बहुत बढ़िया है। और आपका क्या किरदार है? रावण जी की सेना में हूं। ये रावण जी की सेना में रावण जल गया भाई, तेरे भी भूखने लगे? चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और सेवा कर रहे हो, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके। तो वीडियो अच्छी लगी है और लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय श्री राम।